सो हेलो गाइज, वेलकम ऑन चैनल टेकोटा। दिस इज अक्षय वंस अगेन विथ अ न्यू टेक वीडियो। फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप बताओ कि पाई अपडेट सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में कब आने वाला है, क्या फीचर्स उसमें इन्हेंस होके आएंगे हमारे लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबों के लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, भैया पहले ओरियो को तो झेल लो। बिकॉज जब हमने नॉगट से अपडेट कराया है अपने J7 मैक्स को ओरियो में, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी लैग कर रहा है। इसका मैं एक छोटा सा क्लू आपको दिखा दे रहा हूँ कि पहले जो हम नॉगट में पबजी खेलते थे तो ज़बरदस्त चलता था, नो लैग इशू, एवरीथिंग ज़बरदस्त मस्त चलता था, मस्त का एकदम। बट ओरियो में अपडेट करने के बाद हालत कुछ ऐसे हैं, आप खुद ही देख लो। ये बस एक टेस्ट है, आप गेम पे फोकस मत करना, क्योंकि मैं कोई प्रो प्लेयर हूँ नहीं, मैं एक नॉर्मल सा प्लेयर हूँ, नॉर्मल सा प्लेयर भी नहीं, मैं बस खुशी के लिए खेल लेता हूँ जब कभी। तो आप खुद ही देखो कि क्या हालत है ओरियो में जाने के बाद। तो इफ़ यू आर होपिंग कि हमें पाई अपडेट में इसका परफॉर्मेंस सही होके मिले, तो चलो देखते हैं। गेम कर रहे हैं स्टार्ट, फ्रेंड देखना आपकी क्या हाल है, कितना ज़्यादा लैग कर रहा है, इतना फंसता है क्या गेम, चलो देखते हैं। मैं तो बस एक ही बात बोलूँगा कि ओरियो में जाने के बाद गेमिंग परफॉर्मेंस डल, मींस मुझे अगर पॉइंट्स देना हो तो मैं 5 out of 10 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ग्राफिक्स सही है यहाँ पर, कि मैंने आपको, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने ग्राफिक्स भी एकदम लो पर सेट करके रखा है, फ्रेम रेट भी एकदम माइनर है, उसके बाद जब ये हाल है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलो खुद ही देख लो। बाकी सबों का गेम स्टार्ट हो चुका होगा आई एम श्योर, बट मेरा अभी ऑन हो रहा है। ये देखो हाल, बस देखते जाना कितना अटक अटक के चल रहा है। वैसे मैंने कभी पबजी पे इससे पहले वीडियोस बनाई नहीं फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहते हो कि मैं पबजी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कोई नहीं, इस फ़ोन से नहीं, मैं फ़ोन चेंज करूंगा, बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूँ। एक्चुअली आज मैंने ट्राई करा फ्लैश सेल में नोट 7 प्रो बुक करने के लिए रेडमी का, बट नहीं हो पाया। कोई नहीं, बहुत जल्द नोट 7 प्रो आने वाला है, उसका रिव्यू, ओवरऑल परफॉर्मेंस, सारा चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, सो टेंशन नहीं। बस बिंदास आप सपोर्ट करते रहो, टेंशन नहीं, जो भी सारा नया अपडेट आएगा वो आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। और सॉरी फ्रेंड्स वंस अगेन कि हमारी वीडियो थोड़ी लेट आई, बट कोई नहीं, कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर बने, साथ ही मैं पबजी के भी बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा अभी नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो जाकर चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लो, और अगर लाइव खेलना चाहते हो पबजी मेरे साथ में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पबजी लाइव खेलना मैं भी स्टार्ट करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जहाँ मैं आया हूँ ये एक सीक्रेट पैलेस है, सभी को नहीं मालूम इसके बारे में। यहाँ पे एक ट्री होता है, तो देखो अभी हम क्या करते हैं, इस ट्री को देंगे पानी, तो ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर लेवल 3 की चीज़ें मिलती हैं हमेशा, वो यार। बट लेवल 2 का मिला अभी मेरे को, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे फ्लेयर्स भी मिलती हैं, अब वो आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हो कि हर बार जगह ये चेंज कर देते हैं, एक ही जगह पे नहीं छोड़ते हैं। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है अभी उतरते ही। यहाँ पे हमें मिल गया हेल्थ किट, लेज़र बीम, वेस्ट मिला है, और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मिल गई है फ्लेयर गन। मैंने बोला था ना यहाँ पर 90% चांसेस है कि आपको फ्लेयर गन यहाँ पर मिलेंगी, कभी कभी तो 2 मिलती हैं, अभी तो एक ही मिली, बट मैंने देखा है कि यहाँ पे 2 मिलती हैं फ्लेयर्स।
गन्स तो अभी तक नहीं मिले। चलो अब यहाँ से चलते हैं। इरिटेशन है भाई, इरिटेशन, सॉलिड इरिटेशन है। जैसा गेम हैवी लैग हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बिलीव नहीं करोगे। सामने आपके एनिमीज आ जाएं और आप गाड़ी में हो, तो जब तक सारे एनिमी को लोग किल कर देते हैं उतने टाइम में आपका गाड़ी का डोर सिर्फ ओपन होगा। हालात ऐसे हैं। कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो गेम एंजॉय करो। बाकी का देखते हैं बाद में। सो रिपोर्ट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स अभी सैमसंग के ऑफिशियल XDA पे कि हमें गेमिंग एक्सपीरियंस सही नहीं मिल रहा है हमारे फेवरेट J7 मैक्स में। बिकॉज नो डाउट ये एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है फ्रेंड, बट यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं ये सही नहीं लगा मेरे को। पहले बहुत सही था, अभी नहीं लग रहा। चलो कोई नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में वो इसको सुधारें, बट फिलहाल का तो आप देख लो क्या हाल है। चलो UMP तो मिले। अभी ऊपर जाके फ्लेयर चलाते हम लोग। तक मैं ऊपर जाता हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज़ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। सो टेंशन नहीं, बस आप हेल्प करते रहो, वीडियोस बनाना मेरा काम। और भी अगर किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताओ, किसी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट मीन्स टू से, अगर आप चाहते हो कि कोई भी नया फ़ोन जो आ रहा है उसके रिव्यू के बारे में, तो कमेंट करके प्लीज़ बताओ, मैं ज़रूर से आपका हेल्प करूँगा। यहाँ पर फ्रेंड हमने फ्लेयर चला दिया, अभी अभी हमारा ड्रॉप आएगा। अपना ड्रॉप आएगा तो वो आ रहा है अपना ड्रॉप, एयर ड्रॉप, यहीं पे गिरेगा। और ये आ गया बूम फ्रेंड्स, हमारा एयर ड्रॉप। OMG, सामने में भी एक प्लेयर चली। यहाँ से बेसब्री से हम इंतजार करते हुए अपने एयर ड्रॉप का। बूम फ्रेंड्स, हमारा एयर ड्रॉप आ गया हमारे पास। हैं कि क्या कुछ है इसमें। हमें मिली ऑग MK14, MK14 ले लेते हैं। क्या बोलते हो, ऑग भी ले लो? ऑग की बुलेट्स नहीं है हमारे पास अभी उतना। छोड़ो, जो MP ले लेते हैं। सही रहेगा।
और आ गया यहाँ पे। गए वो सारे गुंडे लोग लूटने, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे को कोई रिवाइव देने वाला बचा नहीं, इसलिए मैं भाग गया उधर से। अभी मेरे पास MK14 है फ्रेंड्स, तो चाहिए। ओह शिट, तो एनिमीज यार इरिटेट हो चुका हूँ एकदम लैग से, तो मैं महा इरिटेट हो चुका हूँ। कोई मतलब नहीं रहता है ऐसे में गेम खेलने का। अभी मेरा फ्रेम रेट भी एकदम क्या बोलते हैं, जो लोअर होता है ना उस पे सेट है, और साथ ही में ग्राफिक्स भी एकदम लो है, फिर भी ये हाल है। चलो कोई नहीं, होप करता हूँ कि सुधारे। तो जो पाई को एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रेंड्स, आप बताओ ओरियो में ये हाल है, तो पाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो कोई नहीं, ये तीन गाड़ी से घूम रहे हैं क्या, एक ही ग्रुप के बंदे घूम रहे हैं तीन गाड़ी से, दो गए मतलब। ये हुआ फाइट, नहीं, वो अलग ग्रुप के, मेरे को लगा था कि सेम ही ग्रुप के। अरे दिया रे, दिया दिया, बहुत सही। तो ये था हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस, आपने देख लिया फ्रेंड्स। आप बताओ, सजेस्ट करोगे। मैंने तो फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अपने जैसे मैं मैक्स पब में सेल कर दूं, बट एक दो अपडेट का और मैं अभी वेट करता हूं, उसके बाद देखता हूं कि क्या करूं। ऐसे अगर ये लैगिंग वाला इशू सॉल्व होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना के, कि कैसे ये इशू सॉल्व हुआ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।